हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एक्सपर्ट। गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी विंडो बेस्ड वीडियो रहेगी कि किस तरीके से हम विंडो को हमारे पीसी, हमारे लैपटॉप में अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। गाइस, वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं हमारी वीडियोस पे। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करना है और आपको रन बॉक्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको टाइप करना है services.msc। ये कमांड आपको टाइप करना है services.msc, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके को प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके को प्रेस करोगे, आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होके आ जाएगा। अभी आपको W प्रेस करना है। जैसे ही W को प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ पे W से रिलेटेड लिस्ट आ जाएगी। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा विंडो अपडेट, और जस्ट उसके सामने यहाँ पे आपको शो हो जाएगा डिसेबल। ओके गाइस, तो यहाँ से इसको ऑटोमेटिक आपको करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे ड्रैग डाउन लिस्ट में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शंस को चूज करेंगे और उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से अप्लाई करना होगा। ओके, तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट जो ऑप्शंस है वो आपका ओपन हो जाता है। ओके, एक्टिव हो जाएगा। अभी आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे नीचे ओके कर देना है, और फिर से आपको सर्विसेज को रिस्टार्ट करना होगा। तो एक बार सर्विसेज को रिस्टार्ट करते हैं, कुछ सेकंड के बाद ये आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हम यहां से विंडो को क्लोज करेंगे। अभी आपको क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जस्ट आपको ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सेटिंग्स के ऊपर फिर से डबल क्लिक करना है, और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से विंडो है वो ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा अपडेट एंड सिक्योरिटी। ओके, तो अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे विंडो अपडेट के सामने लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट्स। ओके गाइस, तो यहाँ से आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपका चेक करेगा जो अपडेट्स, मिसिंग अपडेट्स हैं उनको यहाँ से चेक करेगा। ओके, और कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद चेक करने के बाद जो भी मिसिंग अपडेट्स हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ से आप कुछ सेकंड के लिए वेट करोगे। ओके, वेट करने के बाद यहाँ पे आपका देखो यहाँ अपडेट अवेलेबल शो हो चुका है जो, और नीचे जस्ट आपके यहाँ पे जो मिसिंग आपके अपडेट्स थे वो आपके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, जैसे ही ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आपके आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। ओके गाइस, और आपकी विंडो है वो प्रॉपर रूप से अपडेट हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप विंडो 10 या 11 को अपने लैपटॉप या पीसी में अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।